सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर त्यागी तन्हा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने 20 फरवरी को गन्ना लगाया था इस, और तब से लगभग एक महीने के अंदर में लगभग 22 दिन लगातार बारिश हुई। तो मैं के दोस्तों आपको दिखाना चाह रहा था, जैसे आप देख रहे हैं मेरे 3 सहयोगी साथ में लगे हुए हैं, क्या बहुत ज्यादा अधिक दबाव आ गया और हमारे इस खेत में मोथा बहुत था। लेकिन दिखाने का मैंने इसमें बीच में तो ट्रैक्टर से जो कल्टीवेशन आप देखते हैं वो मैंने उससे बीच से कर दिया था। लेकिन क्या है कि जब कल्टीवेशन किया और इसमें बीच में हमने जो मैनुअल लेवर लगा के अपनी और हमने इसकी नलाई की, तो इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी अंदर चली गई। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो साइडों में हमारे घास होती है ये वाली, ये फालिस है, ये इसके साथ 3 काम हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, ये वाली जो ये जो इसके ऊपर मोथा है, ये मोथा भी कट रहा है और दूसरी ये मिट्टी भी निकल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका दिखाने का पर्पज ये था कि कई मेरे साथी ये कहते हैं कि हमारे जब कल्टीवेशन करते मिट्टी अंदर चली जाती है। और एक मुख्य बात, ये केवल 3 लोग हैं और ये 1 एकड़ का खेत है, इन्होंने पूरे दिन में निकाल दिया, यानी कि 900 रुपए में। तो ये मिनिमम खर्च भी है, इसमें बहुत ज्यादा खर्च अब हमारा ऐसा नहीं है। तो अब क्या गया, दबाव था बहुत, तो आप देखेंगे जैसे ये मिट्टी निकाल ले, थोड़ी मिट्टी इसके अंदर गई है, तो इससे क्या है कि ये जो अंदर की तरफ जो नमी है बनी हुई है, ये नमी आप देख रहे होंगे, ये जो नमी है देखो अभी मेरी उंगली से नमी, ये अब भी नमी है इसके अंदर। ये केवल इसलिए हुआ जो हमने उसके अंदर हल्की सी मिट्टी छोड़ी, अब निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें आने वाले हम 4-5 दिन के बाद इसमें पानी देंगे। तो जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम पैदा होती है तो वो इस तरह से इसको करा सकते हैं। जैसे आप मैनुअल काम देख रहे हैं, ये केवल मेरे 3 सहयोगी हैं, इन्होंने पूरा एयरविक्स को खेत को निकाल चुके हैं ये, तो इसमें बहुत बड़ा खर्च नहीं है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आराम से आप इसको, गन्ने को बहुत बड़ा दबाव था, लगातार 22 दिन पानी था, लेकिन उसके बाद भी देखें आप इसमें जमाव भी देखें आप, और ये गन्ना जो है ये 0.38 नहीं है, ये 82-79 गन्ना है। धन्यवाद दोस्तों।